नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है, तो आइए मटर पनीर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को काट करके भूनेंगे। ये हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम एक एक इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। पैन गरम कर लेते हैं। पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं, चारों ओर फैला देते हैं तेल को, और पनीर के टुकड़ों को पैन में सेकने के लिए लगा देते हैं। पनीर को सेकने के लिए नॉनस्टिक पैन का यूज करें, इसे बड़ी आसानी से इसमें सेक लिया जाता है। पनीर को चेक कर लेते हैं, नीचे से ये ब्राउन हो गया है, इसे पलट देंगे और दूसरी ओर से भी पनीर को हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पनीर के टुकड़े नीचे से भी हल्के ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे और अब मटर के दानों को हल्का सा भूनेंगे। ये हमने 1 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं, इनको हल्का सा चला देंगे और ढककर के 2 मिनट धीमी आग पर पकने देंगे। हमें इन्हें नरम करना है। मटर के दानों को चेक कर लेते हैं। हमें मटर के दाने हल्के क्रंची होने तक भूनने हैं। नरम हो गए हैं, क्रंची है। मटर के दानों को निकाल लेते हैं और अब सब्जी के लिए ग्रेवी बनाते हैं। 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। गैस धीमी रखेंगे ताकि मसाले जल्दी से जले ना। मसालों को हल्का सा भूनेंगे। और ये हमने 4 टमाटर, 2 हरे मिर्च लिए हैं, 250 ग्राम टमाटर हैं, इनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमने पहले से बना के रखा है, इस पेस्ट को मसाले में डालेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, डाल देते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करें तो लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भुन चुका है और अब मसाले में क्रीम डालेंगे। 100 ग्राम क्रीम है, 1/2 कप क्रीम है और क्रीम को हम मिलाते हुए चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में फिर से उबाल नहीं आ जाता। मसाले में उबाल आ रहा है, अब हम मसाले में पानी मिलाएंगे। तो हम इसमें 1 कप पानी मिलाएंगे और ग्रेवी को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी में फिर से उबाल नहीं आ जाता। ग्रेवी को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा पतला या थोड़ा गाढ़ा रखा जा सकता है। अगर ग्रेवी को लगातार ना चलाएं तो क्रीम फट सकती है। ग्रेवी को हमने क्रीम और टमाटर के मसाले से बनाया है अपनी पसंद के अनुसार। ग्रेवी को सादा टमाटर में, जो टमाटर का मसाला पीसा उसमें थोड़ा सा बेसन भून करके डाल दें, या मूंगफली के दाने भून करके डाल दें उसे गाढ़ा करने के लिए, या फिर ड्राई फ्रूट पीस करके और उन्हें मसाले के साथ भूने बिल्कुल इसी तरीके से, तो ग्रेवी कई तरह से बनाई जा सकती है। ग्रेवी में उबाल आ रहा है, नमक डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक है, यह स्वादानुसार नमक ले लेंगे, और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब भुना हुआ पनीर और मटर के दाने मिक्स कर देंगे और सब्जी को ढककर 4-5 मिनट तक पकने देते हैं। गैस धीमी रखेंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी को प्याले में निकाल लेंगे। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सब्जी की गार्निश कर देते हैं। मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है और ये सब्जी पूरी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।